इस वीडियो को देखने बाद आप NTPC के लिए जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में आपका जो डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। आपको रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके मेरे जो भी बात एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है गौतम, मैं खुद एक NTPC एस्पिरेंट हूँ, ग्रुप डी एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी अप्लाई किया है और मैंने जो एनालिसिस किया है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सुनो, हम जैसे मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स है जिनका बहुत सारा डाउट मतलब रहता है कि NTPC का एग्ज़ाम कब तक होगा, कोरोना हो गया फिर कब होगा, NTPC का एग्ज़ाम होगा या नहीं, फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा या नहीं, इस तरह हमारा डाउट जरूर आता होगा, ये आना मतलब अनिवार्य है। ओके, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा, मेरे बात को ध्यान से सुनो। ओके, हमने रेलवे बोर्ड पर इतना सारा प्रेशर डाल दिया ट्विटर कैंपेन करके, रेलवे के पहले चेयरमैन कौन बने, VK यादव, उन्होंने खुद आके हमको बताया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल को सर्च करके देख लेना कि उन्होंने क्या बताया था। RRB रेलवे के सभी एग्जाम्स उन्होंने क्या बताया था कि रेलवे के सारे एग्जाम्स एक साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, और उन्होंने खुद डेट दिया था दिसंबर 28 को एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। आप खुद नोटिस किए होंगे कि दिसंबर 28, 2020 को हमारा सारी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। मतलब कौन कौन एग्ज़ाम पता होगा, पहले हुआ जो मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम रेलवे में वो कंडक्ट हुआ, उसके बाद ही बात कंडक्ट हुआ हमारा NTPC। NTPC कंटिन्यू चलता रहा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, सिक्स्थ फेज ही ख़त्म हो गया, सिर्फ एक फेज बाकी है, सेवन्थ फेज बाकी है। ओके, तो इसमें मानता हूँ रेलवे ने थोड़ा बहुत गलती की है, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत गलती नहीं किया होते तो आज रेलवे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता और हम रेलवे का CBT1 दे चुके होते। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, रेलवे में भले ही देरी हुआ है लेकिन दिमाग में ये बात बिठा दो, कोरोना का थोड़ा कहर कम हुआ तो रेलवे का सारे एग्ज़ाम्स, रेलवे NTPC सेवन फेज, उसके बाद CBT2, उसके बाद उसके बीच में ग्रुप डी, वो सारे एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा और बहुत जल्दी रेलवे का जॉइनिंग भी हो जाएगा। जो मेरा मानना है, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, कि 2022 के मार्च महीने तक रेलवे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जॉइनिंग भी हो जाएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही रेलवे बहुत डेयर कर चुका है रेलवे के बारे में, मतलब रेलवे एग्ज़ाम में, वो NTPC हो या ग्रुप डी में हो, क्योंकि उन्हें पता है 2 साल हो गया, 2019 मार्च में निकला था, 2019-20-21 2 साल कंप्लीट हो चुका है, अभी तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और हमने एक बार ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, अगर आप ये मानते हो कि ट्विटर कैंपेन को नहीं सुनते रेलवे वाले या कोई गवर्नमेंट वाला है, मेरे बात को ध्यान से सुनो, हमने पहले ट्विटर कैंपेन की थी या नहीं, मेरे बात को ध्यान से सुनो तब जाके बताओ। तो उन्होंने अच्छे से अपना बात ले भाई, एग्ज़ाम हुआ फिर से, अभी जो SSC CHSL, अगर आप एक्सपीरियंट हो तो आपको पता होगा, हमने फिर से ट्विटर कैंपेन की तो उन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन किया या नहीं, ध्यान से सुनो। तो इसी तरह अगर फिर से कोई गड़बड़ करेंगे ना, ये रेलवे की इज्जत के सवाल है, तो फिर ट्विटर कैंपेन करेंगे और ज़ोरदार हड़ताल होगा। लेकिन ये कभी भी नहीं चाहेगा रेलवे, क्योंकि रेलवे के खुद चेयरमैन VK यादव ने बताया था कि 1 साल के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, और 28 तारीख को जैसे ही बोला था उसी तरह एग्ज़ाम ही हुआ, अच्छे से आप जाने होगा। ओके, तो इसलिए आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, उस स्ट्रेस को हटा दो, आपको
दिल लगाकर पढ़ना है ये कि इस बार आखिरी बार है, इस बार जो भी हो जाए मुझे रेलवे में जॉब लेना है, क्योंकि इस बार जो डायमंड वैकेंसी है, गोल्डन नहीं डायमंड, वो लाइफ में शायद ही कभी आएगा। क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनो। मैं इसे यूँ बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा साथ जो कॉम्पिटिटर थे SSC CHSL SSC MTS रेलवे ग्रुप डी 2018 का स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ था, वो भी हमारे साथ अप्लाई किए थे, और SSC GD का 62,000 वैकेंसी, वो भी हमारे साथ थे। ओके, तो इन सभी का ज्वाइनिंग हुआ या नहीं, हो गया ज्वाइनिंग? मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो अभी जो भी बच्चा हमारा जैसा एवरेज स्टूडेंट बच्चा स्टूडेंट है, अगर थोड़ा बहुत मेहनत कर ले तो सिलेक्शन पक्की है। मैं और एक प्रूफ देके बोल रहा हूँ, मैंने NTPC किया था देने के लिए January 18 को, लेकिन उनमें अटेंडेंस कितना था पता है? 46% था। कितना? 46%, समझ पा रहे हो ना? तो इस बार जो भी अच्छा पढ़ाई कर रहा है ना, वो उसका सिलेक्शन पक्का है, ये मान लो। भले ही डेयर कर रहा है, आपको ये याद होगा SSC CHSL 2018 का एग्ज़ाम, जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं उनका रिजल्ट भी नहीं निकला था 3 साल लगा, 18 से 21, अभी उनका रिजल्ट निकला। मेरे बात को ध्यान से सुनो। ओके, तो अगर वो इतना पेशेंस रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं? मानता हूँ एग्ज़ाम देरी हुआ है, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा ना, एक सीट हमारा पक्की है। सक्सेस मिलने में टाइम लगता है, लेकिन जब मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलेगा, ये मेरा भरोसा है। इसलिए पढ़ाई करना है हमारा जो, अगर आप एग्ज़ाम के लिए मतलब बहुत चिंता हो रहा है, तो मैं जहाँ पर टेस्ट देता हूँ, टेस्ट बुक और प्रैक्टिस सेट मैं लगाता हूँ, वहाँ पर अपना मार्क कैलकुलेट करो, डेली थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है, क्योंकि कोरोना पहले से ही कंट्रोल में आ गया था, इस बार भी कंट्रोल में बहुत जल्द आ जाएगा। जो मेरा मानना है NTPC का एग्ज़ाम अगस्त महीने तक, जो जुलाई 15 से 20 तक हमारा NTPC 7th फेज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा मानना है। और फिर बाद में बहुत जल्दी होके नवंबर लास्ट तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक हमारा CB2 भी कंप्लीट हो जाएगा 5-10 दिन में। उसके बाद जनवरी फरवरी या मैक्सिमम मार्च महीने तक हमारा ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, जिस बंदे ने NTPC के लिए अप्लाई की है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लो कि रेलवे NTPC होगा या नहीं, इतना मान लो होगा ज़रूर, क्योंकि ये रेलवे खुद बताया है, मतलब खुद ऐसे आके उन्होंने ट्विटर अपना बातें बोली, उनका इज्जत की सवाल है। और इस बार जो जो बंदा भी रेलवे मतलब के लिए अच्छाई से पढ़ाई कर रहा है ना, उनका वैकेंसी में सिलेक्शन तय है, क्योंकि जो भी हमारा मतलब पढ़ा लो बच्चे थे, SSC GD ले गए, CHSL ले गए, CGL ले गए, और ग्रुप DB 2018 में चले गए, जो भी पढ़ाको बच्चे थे, जो हमारे कॉम्पिटिटर थे, और ALP में चले गए, वो सब कुछ मतलब हमारे कॉम्पिटिशन से हट गए। अभी जो बच्चे हमारे जैसे मिडिल क्लास स्टूडेंट है और एवरेज स्टूडेंट है, और हम थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन करेंगे, इस बार कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा कम जाएगा, क्योंकि 2018 से 2014 से हमारा जो भी वैकेंसी ज़्यादा है, और जो एस्पिरेंट है वो बहुत कम है इन कंपेरिंग टू जो पिछले साल थे। इस बार चांस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, और जो प्रोसेस है वो भी बहुत जल्द ही कम्प्लीट हो जाएगा, ये मेरा मानना है। इसलिए आप अगर दिल से अच्छा स्टूडेंट हो ना, तो पढ़ाई कर लो और लगातार पढ़ाई करो। एग्ज़ाम होगा, मान लो 2022 के इसी महीने अप्रैल महीने तक हमारा ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरे साथ आप पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर कुछ भी, मैं आपको नोट बना के खुद पढ़ाऊंगा सब कुछ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, नीट मेडिकल से लेकर ग्रुप D तक सभी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेगी अच्छे से डिटेल के, क्योंकि मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट है। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन होने के बाद मतलब थोड़ा बहुत मेरा घर का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ग्रुप D NTPC के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। तो आपका भाई बहन जो भी प्रिपेयर हो रहा है, बड़ा भाई छोटा भाई, अब ये चैनल आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो भी मिलेगा ऑथेंटिक बातें मिलेगा, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी।